उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश के जिलों में दौरों का दौर तेजी से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सीएम योगी अपने काफिले के साथ बलरामपुर पहुंचे। प्रदेश के मुखिया बलरामपुर के तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर पहुंचे, जहां उनका मंदिर के महंत साधु संत एवं जनजाति छात्रावास के छात्रों ने पुष्प वर्षा करके गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम योगी मंदिर के विश्राम स्थल में आज जात रुकेंगे और कल यानी कि बुधवार सुबह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश के मुखिया के बलरामपुर दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रखी हुई है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सीएम बुधवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हम शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर मौजूद हैं, जहां सुबह के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और आगमन के बाद अब हमारे पीछे देख सकते हैं ये अखिल भारतवर्ष जो रूम है यहां इसके अंदर जा चुके हैं और वहां वो रात्रि में विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद में सुबह वो उठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद गाय को व गोवंश को चारा खिलाएंगे। चारा खिलाने के बाद को प्रस्थान करेंगे। आप वीडियो हमारे पीछे देख सकते हैं साहब, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। बलरामपुर से अमित कुमार,